नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे एक रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो ये क्लास आपके सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उससे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेट का एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल नज़दीक है तो उसको ही टारगेट करके ये वीडियो ये जूम ऐप पे क्लास की बताई जा रही है आपको, ठीक है, कराई जा रही है क्वेश्चन। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये नंबर मेरा कॉलिंग का, व्हाट्सएप का, दोनों का है, ठीक है। आप मैसेज भी कर सकते हैं इसके थ्रू। आपको बताना चाहूँगा इसके साथ सोशियोलॉजी के अलावा भी हमारी यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के भी क्लास सुबह शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रही है। उसके लिए भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दिन में 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ सोशियोलॉजी से ही संबंधित। वो सोशियोलॉजी संबंधित जो मैं सुबह ऑनलाइन क्लास में करा चुका रहता हूँ उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जो मैप पे उनके उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट बेहद है ही है, उसके साथ साथ जो नहीं भी करे हैं फिर भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनको भी समझ में आएगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ, ऐसी मैं व्याख्याएं उसमें दूंगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इससे संबंधित हमारी जो कल की थी क्लास, आज मॉर्निंग क्लास हमारी कौन कौन संबंधित थी, हमारी सर्वेक्षण, हमारी साक्षात्कार, केस स्टडीज, इस पर विस्तृत क्लास, उसी संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पे आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह व्यवस्थित प्राविधि जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर प्रत्यक्षता, मतलब ये प्रत्यक्ष दिखा रहा है, डायरेक्ट बातचीत करके उनसे उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ओके, तो आंसर देखिए, सर्वेक्षण, मैं सर्वेक्षण भी बता चुका हूं, निर्वचन इसके संबंध में बता चुका हूं, प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग ये भी बता चुका हूं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। जब आप तीनों आपको पता है तो चौथा एक अलग है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, साक्षात्कार। ओके, अब देखिए सिक्वेंशियल, जिस स्टूडेंट ने क्लास मेरी देखी है, वीडियोस देखे हैं, वो श्योर अच्छे से आंसर को समझ जाएगा। नहीं भी आता क्वेश्चंस को, अगर साक्षात्कार के बारे में नहीं पता है उसे, तब भी उसे निर्वचन के बारे में बता दिया गया है पीछे, सर्वेक्षण और प्रतिवेदन लेखन के बारे में भी बता दिया गया है, तो वो पीछे जाके वीडियो देखे और अगर नहीं उसमें समझ आता है तो वो अपना क्लास ज्वाइन कर सकता है मॉर्निंग की, ठीक है, उसमें आपको रिपीट फिर से आपको चीजें बता दी जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए बी सी नहीं होगा, बल्कि इसमें आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। साक्षात्कार की परिभाषा क्या होती है, साक्षात्कार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इंटर और व्यू। इंटर मींस क्या होता है, प्रवेश करना, और व्यू मींस होता है विचार जानना, यानी किसी के आंतरिक विचारों को जानने के लिए किसी व्यक्ति शोधकर्ता इंटरव्यू प्रविधि का प्रयोग करता है। इसमें उन गुणात्मक विशेषताओं, जिन गुणात्मक विशेषताओं को एक सामान्य दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है, उन अमूर्त विचारों या गुणों को साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा परिमाणात्मक संदर्भ में समझा जा सकता है, संख्यावाचक शब्दों में समझा जा सकता है, और एक सरल ढंग से आप इसी किसी के किसी मानसिक विचार को जान सकोगे, किस प्रविधि द्वारा, साक्षात्कार प्रविधि द्वारा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित। सेकंड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 2, साक्षात्कार से ही संबंधित है। किसके अनुसार, एक कथन है, किसके अनुसार साक्षात्कार, ये कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया
अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, की एक प्रक्रिया है। ये देखिए कथन ए, पहला कथन है मैकोबी एवं मैंकोबी बी ऑप्शन है कलिंगर कार्लिंगर, सी ऑप्शन है गुडे एवं हार्ट, और डी ऑप्शन है पीवीएम। देखिए इसको डायरेक्ट आप याद करिए, साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया माना है, किसे माना है गुडे एवं हार्ट ने, इसका आंसर बिल्कुल करें। अब देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आज के मॉर्निंग क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर जब साक्षात्कार में दो लोग होते हैं और दो लोग के बीच में अंतर्क्रिया होती है अंतःक्रिया नहीं होती है, तो इस सेंटेंस में साक्षात्कार को सामाजिक अंतःक्रिया क्यों कहा गया है? तो आपको बताना चाहूंगा कि यही हमें डिक्लेयर करना होता है, हमारी साक्षात्कार के संबंध में एक सामान्य धारणा है कि इसमें सामाजिक अंतर्क्रिया होती है अंतःक्रिया की जगह। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं, एक सामान्य बातचीत करते हैं, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया है, अंतर्क्रिया है, ना कि अंतःक्रिया। ओके, तो ये पीवी यंग गुडेम हॉट के अनुसार ऐसा कहना है कि साक्षात्कार मूल रूप में सामाजिक अंतःक्रिया है, यानी विशिष्ट रूप से ये कहा जा रहा है सामाजिक अंतःक्रिया, लेकिन अंतःक्रिया, लेकिन सामान्य रूप में हम सामाजिक अंतर्क्रिया कहते हैं साक्षात्कार के अंतर्गत, ना कि अंतःक्रिया। अब सामान्य संदर्भ में और विशिष्ट संदर्भ में आपको समझ में आ गया डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से साक्षात्कार के प्रकार हैं, निम्नलिखित में से साक्षात्कार के प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, बी ऑप्शन संख्या के आधार पर, लोगों की संख्या के आधार पर, आधार पर, सी ऑप्शन अध्ययन पद्धति के आधार पर। आधार पर, डी ऑप्शन सभी। देखिए साक्षात्कार के प्रकार आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग की क्लास में जैसा कि मैं ये क्वेश्चंस करा भी चुका हूं, इससे संबंध लिखा भी चुका हूं, और यहां पे तो शॉर्ट दिया है बट इसको मैंने डिटेल में बताया है। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मैं मॉर्निंग क्लास में बल्कि बताया भी था कि स्टूडेंट को कि ये एचपीएससी के एग्जाम में, सॉरी एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां पर एग्जाम में आया था कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं से। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कार्यों के आधार पर भी तीन प्रकार के, संख्या के आधार पर दो प्रकार के, अध्ययन विधि के आधार पर दो प्रकार के। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये तीनों होता है, सॉरी अध्ययन पद्धति ये है सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी, लेकिन आपको तीनों तो पता होना चाहिए ना, इसमें तीन प्रकार आपको पता होने चाहिए, इसके भी दो प्रकार आपको पता होने चाहिए, इसके भी आपको दो प्रकार पता होने चाहिए। ये तो कार्यों के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो प्रकार हैं वो हैं निदानात्मक, उपचारात्मक और शोध साक्षात्कार। संख्या के आधार पर व्यक्तिगत, पर्सनल और सामूहिक साक्षात्कार।
आपने देखा होगा कि दो से अधिक भी लोग को कभी कभी साक्षात्कार में बुला लिया जाता है। नेक्स्ट, अध्ययन पद्धति के आधार पर केंद्रित साक्षात्कार और अकेंद्रित साक्षात्कार। मतलब यहां पर किसी विषय वस्तु को टारगेट करके, यानी इसमें विषय क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है और उसी के आधार पर साक्षात्कार किया जाता है। यहां पर विषय निर्धारित नहीं होता है, विषय जो होता है निर्धारित नहीं होता है, किसी भी विषय को ओपन किया जाता है और उसी के आधार पर बातचीत स्टार्ट कर दी जाती है, साक्षात्कार। ओके, ये थे प्रकार के संबंध में। कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो भी हम ध्यान रखें कि बड़ा ना होने पाए, आपको बोरिंग महसूस होना शुरू हो जाता है, आप पूरा नहीं देखते हो, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी आशा करूंगा कि आप पूरा देखोगे और ऊबर नहीं महसूस होगी। मैं ऐसी चीज बताऊंगा ही नहीं कि आपको ऊबर महसूस हो। फोर्थ क्वेश्चन, और आप लोग का कमेंट नहीं आता है, एक आध लोग का आता है और सबका नहीं आता है। जब किसी गहन सूचनाओं का संकलन करना, गहन गहन सूचनाओं का संकलन लचीलापन अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं सूचनाएं तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर स्वाभाविक स्तर कॉम इत्यादि इत्यादि किस पद्धति के महत्व व गुण है। ए ऑप्शन इज अ अवलोकन, बी ऑप्शन साक्षात्कार, सी ऑप्शन प्रश्नावली, डी ऑप्शन आंकड़ा विश्लेषण आंकड़ा विश्लेषण। देखिए, गहन सूचनाओं का संकलन, लचीलापन और अत्यधिक अर्थपूर्ण क्रियाएं, तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर, ये सब सारी चीजों की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस पद्धति के लिए अवलोकन भी ऑब्वियस नो डाउट है, प्रश्नावली में नहीं, आंकड़ा विश्लेषण भी नहीं। आप गहन सूचनाओं का, जैसे आप बता रहे कि ये जो व्यक्तिगत अध्ययन के स्टडी जो मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सॉरी साक्षात्कार विधि में हम क्या करते हैं कि किसी के बारे में एक माइन्यूट स्टडी करने का काम करते हैं। तो यहां पर गहन और डीप स्टडी करने का, डीप और एक एक्सटेंड स्टडी करने का जो कार्य है वो साक्षात्कार करता है। तो इसके बारे में देखिए, विशेषता है इसकी, आप समझ लीजिए। तो गहन सूचनाओं का संकलन, लचीलापन इसमें है, घटा बढ़ा सकते हैं, अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर प्राप्त होता है, किस पद्धति का महत्वपूर्ण गुण और विशेषता है, साक्षात्कार इंटरव्यू। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर आप इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, प्रति व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब कराए, ये टारगेट आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिन में 2 वीडियो क्वेश्चंस से संबंधित और क्वेश्चन की व्याख्या भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चंस। आई होप आप ऐसा करेंगे। थैंक यू सो मच।